अब यहाँ देख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए, तो इसे भी हम लोग उसी तरह सॉल्व करेंगे या मानेंगे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और नेक्स्ट लाइन में हम लोग एच जोड़ते हैं तो साइन एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस वन, इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। फार्मूला लिख देते हैं, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच इंटेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपान एच। तो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच इंटेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ से हम लिख देंगे साइन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल अपन एच होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच इंटेंस टू जीरो साइन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर जो है उसको ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स और प्लस वन माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल अपान एच लिख सकते हैं। एच को अगली बार हम किनारे लिख देंगे यहाँ पर, यानी डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच इंटेंस टू जीरो वन अपान एच साइड में हो गया, और यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला फिर से लगेगा। तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला अभी हम पिछले प्रश्न में आपको बताए हैं। तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो उसी हिसाब से लगेगा यहाँ भी, तो हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू यानी एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस वन। अभी तो सी हुआ, अब प्लस डी का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू लिखेंगे। देखिए जगह कम पड़ जाएगी लगता है, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर, ओह माइनस लिखना है ना, सॉरी। इतने को हम नीचे लिख देते हैं यहाँ से, साइन एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस वन, माइनस जब करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा और माइनस वन होगा क्योंकि आगे माइनस है, जब माइनस चिन्ह ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा बाय टू ब्रैकेट क्लोज। अब हम लिखते हैं डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच इंटेंस टू जीरो वन अपन एच। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जुड़ गया, टू कॉस टू एक्स स्क्वायर हुआ और वन हो गया टू प्लस टू एच एक्स और प्लस का क्या बचा एच स्क्वायर बाय टू इंटू साइन, यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और प्लस वन से माइनस वन भी कट गया, बचा हमारा एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स, एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स बाई टू, क्या बचा एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स बाई टू। देखते हैं आगे,
आगे देखते हैं। डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच इंटेंस टू जीरो वन बाई एच। अगर टू कास स्क्वायर टू कास टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई टू। यहाँ पर हमको एक जुगाड़ करना पड़ेगा। कौन सा जुगाड़? जितना लिखा है इधर, जितना भी ये लिखा है इतने का हम यहाँ एच कॉमन ले लेते हैं। एच कॉमन लेंगे तो होगा एच प्लस टू एक्स बाई टू। दोनों में एच कॉमन ले लिया तो बचा एच प्लस टू एक्स बाई टू। अगली लाइन में आते हैं। डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच इंटेंस टू जीरो वन बाई एच टू कास टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एच स्क्वायर बाई टू इंटू साइन एच इंटू एच प्लस टू एक्स ऐसे रहेगा बटा दो। इसके भी बटे हम कर सकते हैं एच इंटू एच प्लस टू एक्स बाई टू। और इसी का हम गुणा किए अलग से, इसका इधर भी गुणा कर दे रहे हैं। साइड में बड़ा जगह कम पड़ जा रही है। एच प्लस टू एक्स बाई टू बचेगा। ये गुड़े में बचेगा, इतने की वैल्यू एक हो जाएगी। डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच इंटेंस टू जीरो, क्या बच रहा है? टू कास टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एच प्लस एच स्क्वायर बाई टू इंटू वन हो गया। इंटू में ये वाली चीज बची हुई है एच प्लस टू एक्स बाई टू। अब हम लिमिट की वैल्यू रख देते हैं। डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ से एच वहाँ चला गया है, ये एच वहाँ चला गया है, ये वाली एच हम यहाँ ला दिए हैं, यहाँ भी नहीं रहेगा। ये एच अब यहाँ आ गया, नीचे वाला एच यहाँ आ गया है। एच की वैल्यू अब इसमें रखेंगे, आंसर आ जाएगा टू कास टू एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस ये जीरो होगा प्लस ये भी जीरो होगा बाई टू। इंटू में ये बचा है एच का मान जीरो रखो प्लस टू एक्स बाई टू। एन डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू कास देखो जीरो हो गया है, दो कॉमन ले लेंगे, यहाँ यहाँ से दो कॉमन लेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू इंटू दो से दो कट गया केवल एक्स बचा। डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू
यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा 2 cos एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू यक्स। ये यक्स हम शुरू में लिख लेंगे, यक्स को शुरू में लिख लेते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 2x और cos एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हुआ इसका आंसर। साइन स्क्वायर एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए, तो इसके लिए भी हम लोग वही प्रक्रिया अपनाएंगे। मान लेंगे एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और दोनों पक्षों में एच जोड़ देंगे, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच। फार्मूला अपना वही लगेगा, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच इंटेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपन एच। आगे ले चलते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच इंटेंस टू 0, इसकी वैल्यू हम यहाँ से ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे, इसकी जगह पर इसका वैल्यू हम रखेंगे ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच, और एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ से ये साइन स्क्वायर एक्स होल अपन एच। तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया अपना लिमिट एच इंटेंस टू 0 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, यानी एक्स प्लस एच प्लस एक्स इंटू साइन ए माइनस बी होता है, यानी एक्स प्लस एच माइनस एक्स होल बाई एच। तो यहाँ आपको मिल रहा डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच इंटेंस टू 0, एक्स और एक्स जोड़ देंगे साइन 2x प्लस एच, इंटू यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा होगा साइन एच, ये बटे का एच इसके नीचे लिख देते हैं क्योंकि अगली लाइन में इसका वैल्यू 1 होने वाला है, और लिमिट की वैल्यू रख भी देते हैं। डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस 0 इंटू 1 हो गया ये। डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2x। लॉग ए एक्स का प्रथम सिद्धांत से आकलन करें, तो इसे भी हम लोग उसी प्रक्रिया से सॉल्व करेंगे। मान लेंगे एफ एक्स इक्वल टू लॉग ए एक्स, और एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस एच। फार्मूला लगेगा, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच इंटेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये सूत्र सभी सभी क्वेश्चन में लगेगा, ये सूत्र सभी क्वेश्चन में लगेगा। आगे हम लोग लिखते हैं, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच इंटेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है लॉग ए एक्स प्लस ए एच, लॉग ए एक्स प्लस ए एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू है लॉग ए एक्स होल बाई एच। डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच इंटेंस टू 0, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन होता है लॉग एम बटे एन, और एच को हम यहाँ किनारे लगा देंगे। एच को कहाँ लगाना है, एकदम से किनारे लगा देना है 1/h, और वो लॉग एम बटे एन हो रहा था, यानी लॉग एम बटे एन लॉग ए एक्स प्लस ए एच बाई ए एक्स, ये चीज हुआ। अगली लाइन में देखते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच इंटेंस टू 0 1/h, या ए एक्स
और एच को अगर हम अलग अलग भिन्नों में तोड़ें तो एक्स बाई एक्स होगा हमारा वन, और एक्स बाई एच बाई एक्स होगा एच बाई एक्स, क्योंकि ए और ए कट जाएगा। ओके, अब लाग लिखना था। देखिए लाग छूट रहा था, लाग वन प्लस एच बाई एक्स। अब फार्मूला होता है लाग वन प्लस एक्स का, फार्मूला मैंने आपको लिखवाया है, लाग वन प्लस एक्स का फार्मूला। मैं आपको फिर से लिख के बता दे रहा हूँ, लाग वन प्लस एक्स का फार्मूला होगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स पे घात 4/4। ऐसे करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। तो यही फार्मूला हम यहाँ लगाने वाले हैं, लाग वन प्लस इसको एक्स सपोज कर लें तो इसी सूत्र से हम इसका प्रसार कर देंगे। यानी ये वाली लाइन अब लिखते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h इंटेंस टू 0 1/h। अंदर लॉग वन प्लस एक्स का होगा x यानी h बटे x माइनस एच स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बाई टू करेंगे तो साइड में हो जाएगा, प्लस बाई थ्री साइड में एच क्यूब बाई एक्स क्यूब माइनस डॉट डॉट डॉट, आगे बढ़ जाएगा ऐसे। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक अंदर के प्रत्येक पदों में एच और एच एच कॉमन हो सकता है, तो एच कॉमन लेकर के नीचे वाला एच काट देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच इंटेंस टू 0, अंदर क्या बाहर वाला एच, इस एच जो कॉमन होगा इस एच से बाहर वाला एच कट गया, अंदर क्या बचा 1/x माइनस 1/2 एच बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एच स्क्वायर बटा एक्स क्यूब माइनस डॉट 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 डॉट। यहाँ पर वन कैसे आया, क्योंकि एच कॉमन हो गया, तो एच कॉमन हो जाएगा तो वन ही आएगा। अब लिमिट की वैल्यू रख देते हैं, इसमें रख देंगे वो होगा 1/x माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, ऐसे 0 हो जाएगा। यानी फाइनली हमको आंसर मिल रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x, ये हुआ इसका आंसर।